चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। सुपरस्टार खिसाड़ी लाल यादव और काजल राधवानी अभिनीत भोजपुरी मूवी नागदेव छठ पूजा पर ना रिलीज होकर उसे दो दिन आगे बढ़ाकर रिलीज किया गया और फिल्म को रिलीज होते ही बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर नागदेव को जबरदस्त रिस्पांस मिला है। यानी कि नागदेव को भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि नागदेव बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में करीब 50 से ज्यादा सेंटर पर रिलीज किया गया और सभी सेंटर पर फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। आपको बता दें कि सिनेमाघरों में दर्शकों की भारी भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है और कई सिनेमाघरों में टिकट की भारी मात्रा में ब्लैक होते हुई नजर आई। कई जगहों पर दर्शकों को टिकट ना मिलने से दर्शकों के चेहरे पर मायूसी साफ झलकती हुई नजर आई, तो कई दर्शकों को दूसरे शो का इंतजार करना पड़ा। कुल मिलाकर कहा जाए तो नागदेव को बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पांस मिला है। आपको बता दें कि नागदेव में खिसाड़ी लाल यादव नाग के अवतार में नजर आ रहे, तो वहीं काजल राधवानी नागिन के अवतार में नजर आ रहे हैं। यानी नाग नागिन के पर आधारित फिल्म नागदेव में खिसाड़ी और काजल राधवानी का जोरदार अभिनय भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ के साथ काजल राधवानी और खिसाड़ी लाल यादव पर फिल्म आया हुआ रोमांटिक तड़का सॉन्ग जो दर्शकों की जुबान पर सर चढ़ कर बोल रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भोजपुरी दर्शकों के दिमाग में रखकर नागदेव बनाई गई है जो दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। अगर आप लोगों ने अभी तक नागदेव नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर नागदेव जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको नागदेव में खिसाड़ी लाल यादव और काजल राधवानी की एक्टिंग कैसी लगी।